गुरुवार को सिटी का मौसम अचानक बदल गया। रात को तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी खबर मिली। शुक्रवार को फिर 1,957 नए पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 1,637 सिटी के, 317 ग्रामीण के और जिले के बाहर के 3 का समावेश है। जीएसटी अन्वेषण विभाग डीजीजीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में रिकॉर्ड 2,563 करोड़ की जालसाजी का पर्दाफाश किया गया है। जबलपुर नागपुर हैदराबाद हाईवे सर्विस रोड के ढाबे के पास गुरुवार को एक ऑटो चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हुडकेश्वर पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर हत्यारे पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शुक्रवार को मनपा के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने अलग अलग जोन से कुल 370 अतिक्रमण साफ किए, साथ ही 8,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। एसटी महामंडल इन दिनों रोजाना 3 से 4 लाख रुपए घोटाले में चल रहा है। यात्रियों की संख्या कम होने से एसटी का घाटा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मानकापुर थाना अंतर्गत दो गुटों में हुई मारपीट गैंग वॉर में बदल गई। एक गुट की हावी होने पर शुक्रवार दोपहर को हथियार से लैस दूसरे गुट ने भी हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की छापेमारी ने उन्हें गाड़ी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। एनडीए दस्ते ने मनपा के सभी जोन में दस्तक देकर प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। शुक्रवार को दस्ते ने अलग अलग 5 जोन में कार्रवाई कर कुल 6 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया। कलंगा थाना अंतर्गत एक 40 वर्षीय महिला की छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम प्रवीण झाड़े बताया गया। यशोधरा नगर पुलिस ने बुचड़खाने ले जा रहे गोवंशीय प्रजाति के मवेशियों से भरी गाड़ी को पकड़कर नव मवेशियों को जीवन दान दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख आरोपी वाहन चालक गाड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ।